थोड़ा घाटा है तो वहां उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे शराब पीने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, सिगरेट पीने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। जितने भी काम इंद्रियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई मोटिवेशन, जहां इंद्रियों को मजा आता है। लेकिन जो चीजें इंद्रियों से नहीं, जैसे पढ़ाई इंद्रियों से नहीं जुड़ी, पढ़ने से कौन सा जीभ को मजा आएगा, कौन सा कान को मजा आएगा, कौन से आंख को, तो वैसे ही नहीं मजा आता, बंद कर लेती है 5 मिनट में, पागल कहीं का कितना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 पेज पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। किताबें मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंद्रियों से नहीं जुड़ी, इसलिए वहां बहुत अभ्यास करना होता है। ध्यान जो है इंद्रियों से नहीं जुड़ा, इसलिए बहुत अभ्यास करना। और अंततः इस काम में जो लोग पर्दे के पीछे थे, जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई है, उनकी श्रीमती जी है, रजनी जायसवाल, इन लोगों ने बहुत दिन रात आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 10 दिन से ये लोग सोए नहीं। हमारे साथ कुछ मित्र दिल्ली से आए हैं, सिर्फ प्रेम में आए हैं, जिसमें एक हमारे सुमित सर है, हमारे एक रंगनाथ सुल्तानी है, मोहित जी है, हमारे एक मित्र है गंगाधर जी, इन सारे लोगों ने आप समझ लिए बिना बिना किसी इंटरेस्ट है नहीं छुट्टी लेकर, और उसमें फैजल भाई की श्रीमती जी प्रेग्नेंट थी, उसमें हमारे साथ हिमांशु भाटी जी थे, वो मंच पर आते नहीं कभी, उनको फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता। 15 लोग थे हम, लखनऊ से चले थे साइकिल से दिल्ली तक, और हर दिन 70-80 किलोमीटर की साइकिलिंग करते थे पर डे। आज भी उसके वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और आप ही के लिए गए थे एक अटेम्प्ट लड़वाने की बात की, और वहां भी फैजल भाई की अहम भूमिका थी। बोले आप चलेंगे तो हम भी चलेंगे, तुमने कहा चलाओगे, बोले क्या करेंगे। और इन सारे उद्देश्यों में जो सबसे अहम भूमिका होती है, जो आदमी मुझे बहुत उत्साह देता है, हिम्मत देता है, शक्ति देता है, वो है हमारी श्रीमती जी। परेशान तो रहती है हमसे, हमारे साथ जितने लोग रहते हैं वो हमसे सब परेशान है, लेकिन उनका प्रेम ऐसा होता है कि वो उन परेशानियों को चर्चा नहीं करते। सारे लोगों को विशेष छूट मिलेगी, फाउंडेशन कोर्स पूरा फ्री मिलेगा, फ्री। और ये जो योग की धारा शुरू हुई, इसलिए किसी ने मुझसे सुबह कहा कि आज अंतिम दिन है, बिल्कुल अंतिम दिन नहीं, मैं 5:30 बजे हर दिन आपको मिलूंगा ऑनलाइन। मैं यही स्वामी जी से निवेदन भी करूंगा कि हमें कोई योगी दे जो ऑनलाइन आपको योगा कराए, और आधे घंटे मैं आपके साथ रहूं। जो क्रम यहाँ चल रहा था 1.5 घंटे का, वही क्रम वहां भी चले, जिससे, और मैंने कहा ना कि 5 दिन था यहाँ, तो 5 दिन में ही गुटखे की आदत पड़ती, 5 दिन में सिगरेट की आदत पड़ती, 5 दिन में शराब की आदत पड़ती, तो 5 दिन में योगा की भी आदत पड़नी चाहिए थी। लेकिन मान लीजिए नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, चैलेंज करने की हिम्मत वाला चाहिए, और वो आप ही कर सकते हो। जवानी ऊर्जा वो आप में भरी हुई है। दूसरा, जरा खुद को माफ करने की प्रवृत्ति सीख लो, हर बात पर अपने को कोसना बंद कर दो। असफल हो गए कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं मैं तो असफलता का प्रतीक हूं, मैं तो एक्सपेरिमेंट करता हूं, गिरता हूं फिर करता हूं। तो कभी अपने को कोसना बंद करो, मुझसे ये गलती हो गई, या मैंने ये गलत कर डाला, या पास्ट में मेरे से ये मिस्टेक हो गई ना, ठीक है, फॉरगिवनेस, आगे बढ़िए, मूव ऑन। और दूसरा, डेयरिंग, किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को हमें पहचानना है। और ये मैं किसी किताब से लिख के नहीं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं।
और बहुत बड़े बड़े गोल ना सेट करो कि ओझा जी सर से पढ़ लिए हो तो आप लोग तुरंत ही आईएएस आईपीएस बन जाओगे ना, छोटे छोटे गोल बनाओ और उन गोल को अचीव करो। आज भी हम लोग अपने वीकली गोल्स तय करते हैं, इस हफ्ते क्या करें, लॉन्ग टर्म विजन है कि एक महीने बाद साल भर बाद क्या करेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है, स्मॉल गोल्स। जब आप उनको अचीव करोगे ना तो अपने अचीवमेंट पे गर्व भी किया करो, जैसे मैं अपने असफलता पर गर्व करता हूँ तो अपनी सफलता पर भी गर्व। तो छोटे गोल्स बनाओ, अचीव करो, प्राउड फील। तो उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी विधा है तो इसका मैं प्रचार जरूर करूंगा, ये सब इन्होंने किया है फैजल खान ने। और इन्होंने कहा कि सर अगर स्टूडेंटों को ये सब चीजें दी जाए तो शिक्षा और योग का कितना बढ़िया मिश्रण हो जाएगा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़े होकर एक बार इनके सम्मान में ताली जरूर बजाएं, क्योंकि साहब फैजल जी ने पहली बार कोचिंग के इतिहास में पहली बार हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री ब्रजेश मिश्रा जी, मैं जितना भी बोलूंगा कम पड़ जाएगा। आप अवधनामा सीरीज देख रहे हैं, इन्होंने हमें बुलाया और बोले आप शुरू कर दीजिए। बड़े सारे चैनल उससे पहले मेरे संपर्क में थे तो कहते थे वीडियो बनाइए, फिर उसको एडिट करेंगे, फिर कंपनी के पास पता नहीं क्या क्या बोलते थे, एडिटिंग टीम के पास जाएगा, फिर हम बताएंगे उसमें क्या बोलना है। और आपने हमें सीधे स्टूडियो में भेजा और आज तक ये नहीं कहा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बड़ी रिस्क की बात है किसी चैनल के लिए, किसी संपादक के लिए, इतना बड़ा खतरा लेना जिसका एक मुकाम है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जिस व्यक्ति का अपना एक नाम है, उसने मेहनत से कमाया है। बता रहे थे कि टीवीएस में हम लोग जाकर, आपके मित्र कई सारे आए थे जो आजकल अमर उजाला वगैरह में, तो बता रहे थे कि हम लोग टीवीएस पे आते थे और 1500 रुपए सैलरी मिलती थी। ये सब आपके लिए, आपके लिए लाइव एग्जांपल है, लाइव जहां आप खड़े हैं वहीं पे हम सब खड़े थे। और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।